सबसे पहले रुक करते हैं लखनऊ की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश को एक खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार ऐसे सेक्टर चुन रही है जहां निवेश की प्रबल संभावना हो। इस रणनीति के चलते ही रियल एस्टेट सेक्टर को निवेश के लिहाज से मजबूत माना जा रहा है। इस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 7.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। इसमें खास तौर पर शहरी क्षेत्रों को फोकस किया जा रहा है। यहाँ छोटे छोटे मार्केट के पास 64 लाख रुपए के घर बनाए जाएंगे। इसमें HIG, MIG, LIG और EWS के आवास शामिल है। इसको बनाने के लिए योगी सरकार प्राइवेट कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों बैठक में अधिकारियों को एक सर्वे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि साल 2020-21 में उत्तर प्रदेश की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में रियल एस्टेट का योगदान 14.4% है, जो कि 34 अरब रुपये, और इस सेक्टर से करीब 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश की आबादी 23.09 करोड़ है, जिसमें 23.7% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है, जो कि 5.47 करोड़ है। शहरी आबादी अगले 5 वर्षों में 3.09 करोड़ आबादी बढ़ेगी, और इसको देखते हुए अगले 5 वर्षों में आबादी के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 64 लाख घरों की जरूरत होगी।